नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश आहूजा और स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर 3.0 सीरीज में। इस सीरीज में हम भारत के इतिहास को डील कर रहे थे और यह भारत के इतिहास का हमारा भाग तीन है, यानी कि हम इस वीडियो में गांधीवादी काल को डिस्कस करने वाले हैं। 1915 से 1930 के मध्य होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के इतिहास का भाग तीन। और पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो आपको चेक यहां पर यह करना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। अगर बात होती है होम रूल लीग की तो बात होती है एनी बेसेंट की। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एनी बेसेंट है यह 1914 के समय में कांग्रेस में शामिल हुई थी। एनी बेसेंट जब आयरलैंड गई थी तब वहां पर इनको सलाह दी गई थी कि आपको भारत में भी एक होम रूल लीग जैसे आंदोलन करने की आवश्यकता है, जो आंदोलन आयरलैंड में चल रहा था। तो क्योंकि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, याद रखिएगा यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, इसीलिए होम रूल लीग आंदोलन करने की सलाह इनको आयरलैंड से प्राप्त हुई थी। जब ये कांग्रेस में शामिल हुई तो इन्होंने 1915 के, ध्यान रखना 1915 के बंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे, में प्रस्ताव रखा था कि हमको भी होम रूल लीग की शुरुआत भारत में करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे किसी आंदोलन की जरूरत नहीं समझी और जाहिर सी बात है यह जो प्रस्ताव है यह प्रस्ताव खारिज हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस नहीं समझती थी कि हमको भारत में ऐसे किसी आंदोलन की जरूरत है। तो यह जो स्टेटमेंट है, किसकी योजना एनी बेसेंट ने 14-15 में प्रस्तुत की थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट प्रतीत होता है। उसके बाद एनी बेसेंट और तिलक को यह समझ में आ गया कि हमको अपने लेवल पर ही एक पृथक होकर, कांग्रेस से पृथक होकर हमको यह आंदोलन जो है वो चलाना होगा। और इसीलिए आगे बढ़ोगे तो दो होम रूल लीग की स्थापना होगी। पहली होम रूल लीग जो है वो 28 अप्रैल 1916 को, और दूसरी होम रूल लीग जो है वह 3 सितंबर 1916 को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, दोनों डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, पहले जो है वो तिलक की होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, 28 अप्रैल 1916 को जिसकी स्थापना हुई थी वह तिलक की होम रूल लीग थी, और 3 सितंबर 1916 को जिसकी स्थापना हुई थी वह एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम से स्थापना की गई थी। तो एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट डेट के साथ पूछने को मिल सकता है। उसके साथ इन दोनों लीग के हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं। तो हेडक्वार्टर जो है बेलगांव में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जो है इन्होंने पुणे को बनाया था, और इस होम रूल लीग की स्थापना जो है ये बेलगांव में हुई थी। इधर जो है अगर एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर अड़ियार यानी कि मद्रास में बनाया था, क्योंकि इसके पहले एनी बेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रह चुकी थी, और थियोसोफिकल सोसाइटी का जो अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है वह अड़ियार में था। तो जाहिर सी बात है कि इनका होम रूल लीग का सेंटर भी अड़ियार होना ही तय था। तो याद रखना, इनका जो हेडक्वार्टर है वह अड़ियार था, और जबकि इनका हेडक्वार्टर जो है वह पुणे था। अब बात करते हैं कि कहां कहां इनकी होम रूल लीग का विस्तार हुआ। तो यह कथन साफ दिख रहा है कि तिलक की होम रूल लीग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, लेकिन यहां पर बंबई को छोड़कर, यह बात भी ध्यान रखिएगा, बंबई को छोड़कर, तो तिलक की होम रूल लीग जो है वो इन क्षेत्रों में काम करती थी, या फिर तिलक की होम रूल लीग का विस्तार जो है वह इन क्षेत्रों में था, यह कथन भी बिल्कुल सही प्रतीत होता है। कुछ लोगों के नाम और आपको बता दूं, इधर तिलक ने अध्यक्ष बनाया था जोसेफ बतिस्ता को, जबकि इधर तिलक ने सचिव बनाया था एनसी केलकर को। यह प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि तिलक के साथ कौन कौन से संबंधित थे। तो जोसेफ बतिस्ता जो है वो अध्यक्ष बने थे, और एनसी केलकर जो है वह यहां पर सचिव बने थे। जब इधर बात करें एनी बेसेंट की बात करें, तो एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग की स्वयं ही अध्यक्ष बनी थी, याद रखना यह स्वयं ही अध्यक्ष बनी थी। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट होंगी, जबकि दो लोग एनी बेसेंट के साथ थे, उन दोनों के नाम मैं बताना चाहूंगा। पहले का नाम होगा अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल के नाम से जाना जाता है, और दूसरे का नाम होगा वाडिया, इनको जाना जाता है वीपी वाडिया के नाम से, जिसमें से जॉर्ज अरुंडेल जो है वह सचिव रहेंगे
और कोषाध्यक्ष के तौर पर रहने वाले हैं वीपी वाडिया। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एनी बेसेंट के साथ कौन कौन थे, तो वीपी वाडिया हो गए, जॉर्ज अरुंडेल हो गए, यह सब एनी बेसेंट के साथ थे, जबकि एनसी केलकर जो है वह सचिव थे और अध्यक्ष थे जोसेफ बैतिस्ता जो कि तिलक के साथ थे। ये सारी बातें हमने देखी। अब देखो अगला पूछ रहा है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक का विचार मैं आपको बता दूं तो उन्होंने जेल से बाहर आते ही साफ कहा था कि यह आंदोलन जो है वो कांग्रेस से पृथक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि यह देश का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक आंदोलन होगा। और जैसे कांग्रेस इसी समय प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन कर रही थी, तिलक ने भी प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन ही किया था। जेल से आने के बाद अब इनकी विचारधाराएं जो है वो थोड़ी सी बदल चुकी थी। तो इसीलिए यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। इसको डील करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसमें शाखाएं अधिक थी, ये ध्यान रखिएगा, उसमें शाखाएं अधिक थी, लेकिन जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या वह एनी बेसेंट की होम रूल लीग में कम थी। अधिक शाखाएं लेकिन सदस्य संख्या कम, लगभग 200 शाखाएं थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की, और इन 200 में से भी 132 शाखाएं तो ऑब्वियस सी बात है अकेले मद्रास में ही होनी थी। इसीलिए यह कथन आपको ध्यान रखना, यह कथन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एनी बेसेंट लीग की जो शाखाएं हैं वह अधिक थी लेकिन सदस्य संख्या कम थी। अच्छा, अब मैं अगले स्टेटमेंट पर डिस्कस करना चाहूंगा। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही थी। सबसे पहली बात तो इन दोनों में से अगर आपको एक आंसर लगाना है तो यह ध्यान रखना कि तिलक और एनी बेसेंट के बीच कोई मतभेद नहीं था, दो अलग अलग लीग जो बनी थी। कारण यह था कि तिलक जो है वो बहुत अधिक उग्रवादी थे और उनके तरीके को, उनके स्ट्रेटजी को एनी बेसेंट के लोग कुछ खास पसंद नहीं करते और नहीं करते थे, इसीलिए दोनों ने अपने रास्ते तो अलग कर लिए लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, यह बात आप याद रखिएगा। और इस तरीके से यह जो कथन है यह असत्य कथन प्रतीत होता है और बेस्ट आंसर जो है वो बेस्ट आंसर दिखाई दे रहा है डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान केंद्रीय हिंदू स्कूल की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट, भीकाजी कामा, एमजी रानाडे और मदन मोहन मालवीय। तो देखिए केंद्रीय हिंदू स्कूल की जो शुरुआत है वह शुरुआत करता हूं 1893 से। 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन, और यह विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था वहां पर थियोसोफिकल सोसाइटी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर बनकर गई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उस सम्मेलन में, उस संसद में, उस सम्मेलन में, उस धर्म संसद में एनी बेसेंट मौजूद थी। ये वही सम्मेलन था जहां पर स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे और वह अपने ओजस्वी भाषण से लोकप्रिय हुए थे। तो ध्यान रखना एनी बेसेंट 1893 शिकागो वाले सम्मेलन में मौजूद थी। शिकागो में धर्म सम्मेलन अटेंड करने के बाद 1893 में भारत आई थी एनी बेसेंट, ये बात को आपको याद रखना है। उसके बाद 1898 में, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करेंगी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना होगी, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद इस स्थापना के बाद 1898 के बाद आप देखोगे 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। तो एक बात ध्यान रखना, कोशिश पहले तो एनी बेसेंट भी कर रही थी लेकिन सफलता जो है वो मदन मोहन मालवीय को मिली थी। तो दो बातें याद रखना, 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना और 1916 में मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ था। एनी बेसेंट के बारे में और भी बातें मैं बता दूं, सबसे पहले तो इन्होंने ही कहा था कि मैं बैतलिक का कार्य कर रही हूं और भारत को जगाने का प्रयास कर रही हूं, यह स्टेटमेंट जो है बैतलिक वाला जो स्टेटमेंट है यह एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है, याद रखना। और साथ में इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को भी राजनीति का बच्चा कहा है, क्योंकि बात है रोलेट एक्ट के समय की, तो रोलेट एक्ट के समय की बात है तो गांधी जी के अपने अलग मेथड से, गांधी जी के अपना अलग स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी को एनी बेसेंट जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। इनके हिसाब से ये सारे तरीके जो है विद्रोह के नहीं होने चाहिए थे इसीलिए, और दूसरी तरफ एनी बेसेंट को अपना राजनीतिक जीवन भी संकट में दिखाई दे रहा था, इसलिए एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीति का बच्चा भी कहा है। फिर याद रखना 1917 में जब होम रूल लीग खत्म होगा और जब ये कमबैक करेंगी, मतलब जब ये जेल में जाएंगी,
तो काफी फेमस हो चुकी होंगी एनी बेसेंट, और उसकी वजह से तिलक ने घोषणा की कि अगले अधिवेशन में हमारे जो कि कलकत्ता में होने वाला है एनी बेसेंट जो है वो भारत के अध्यक्ष बनने वाली थी। तो याद रखना 1917 का अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेसी कौन हुई, तो उसका नाम भी एनी बेसेंट का आता है। लेकिन अगर पूछा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब उस केस में नाम जो है वो सरोजिनी नायडू का आना चाहिए। तो याद रखना ये सारे फैक्ट्स हमने एनी बेसेंट से डिस्कस किए थे, और 1924 में ये संन्यास भी ले लेती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनी बेसेंट, ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखो दिख रहा है, निम्न जोड़े पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिड हड़ताल, और तीसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। बताना है कि पहला गैर सहयोग था, पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था। इसके बाद मैं बोला हूं ना, हमेशा यहां देखा करो कि जोड़ी जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाती है, ये आपको बताना है। इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आगे आने वाला प्रश्न जो है वो सही बनने के चांसेस ज्यादा हो। चलो बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये तीनों सत्याग्रह जो है गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रह के तौर पे जाना जाता है। जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे और गोखले जी ने एडवाइस दी थी कि भाई पहले आपको भारत भ्रमण करना चाहिए और बाद में भारत के आंदोलनों में शामिल होना चाहिए, उस दौर के यह आंदोलन प्रतीत होते हैं। चंपारण सत्याग्रह का ये तीनों सबसे पहले क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाव में पहले आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंपारण जो है ये 1917 वाला है, और अहमदाबाद वाला जो है ये 1918 वाला है, और यह जो खेड़ा है ये भी 1918 वाला है। ये सीक्वेंस जो है वो इसी तरीके से रहेगा, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, और फिर उसके बाद आपको लिखना है खेड़ा सत्याग्रह। मार्च के महीने की घटनाएं हैं, तो याद रखना ये सीक्वेंस जो है वो इसी तरीके से रहेगा, पहले तो ये पूछ लेगा। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। देखो चंपारण था कहां पे, तो चंपारण पहली बात तो बिहार में था। बिहार में नील की खेती, और नील की खेती से संबंधित है एक कथन और ध्यान रखिएगा, एक पद्धति चल रही थी यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा, इस पद्धति का नाम था तीन कठिया पद्धति। यह तीन कठिया पद्धति क्या थी? तीन कठिया पद्धति के हिसाब से एक कृषक को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में अपनी नील की खेती करना अनिवार्य था। एक्चुअली यहां पर यह समझोगे, ये जो 20 कट्ठा होता है ना, 20 कट्ठा इसका मतलब होता है एक एकड़, इसका मतलब होता है एक एकड़, ये बात को ध्यान में रखो। अब यानी कि इस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था, और वह भी वैसी जगह होनी चाहिए जो अधिक उपजाऊ हो। यह पद्धति जो है तीन कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती है। इतना समझने के बाद अब ये समझो कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है तो आपको एक अतिरिक्त राशि कर के तौर पर देनी होगी। मतलब जिनको ये पद्धति चाहिए वो ठीक, और जिनको इस पद्धति से बाहर निकलना है उनको एक बहुत बड़ा लगान का जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए। मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही था। अब ये तो सब बातें ठीक है, ये तो 100 वर्षों से चला आ रहा था चंपारण बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। और चंपारण बिहार में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी नील की खेती के साथ यही नियम लागू होता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या कहां आई, अब समझोगे समस्या। चंपारण सत्याग्रह हुआ क्या? हुआ ये कि जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो चुका था, और रासायनिक रंगों के आविष्कार होने के परिणाम स्वरूप नील की खेती, अब नील की डिमांड जो है वो कम हो चुकी। अब जब नील की डिमांड कम हो जाएगी, रासायनिक रंगों की आवश्यकता हो पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के जो बगान है, यहाँ के जो कारखाने हैं, जो यूरोपीय व्यापारी हैं, वो भी सरेंडर हो जाएंगे, उनके बगान कारखाने बंद होने चले जाएंगे, क्योंकि नील की डिमांड जो है वो कम होती जा रही। तो यूरोपीय व्यापारी ने डिसाइड किया कि इस तीन कठिया पद्धति को बंद कर दिया जाए, मतलब अब नील की खेती नहीं ली जाए। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि तीन कठिया पद्धति से अगर बाहर निकलना है तो आपको अतिरिक्त कर देना पड़ेगा, लमसम अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो वह अमाउंट जो है वो अब किसानों को देना था। ये प्रॉब्लम आन पड़ी थी चंपारण बिहार में, दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक हीरो पिक्चर में आता है, और इस हीरो का नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखना, पूछा जाता है ना एग्जाम में राजकुमार शुक्ल, समझो यहां पर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, और इस लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भी बैठे हुए थे, मतलब इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। तो राज पॉपुलैरिटी तो अपने सिर पर थी ना महात्मा गांधी की, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जोर शोर से सक्सेस करके आए थे। तो यहां पर जब लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी थे, तो राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इनवाइट किया महात्मा गांधी को, चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और यहां के लोगों की सारी समस्याएं यहां पर उन्होंने बताई। और
ध्यान रखना ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने महात्मा गांधी को चंपारण इनवाइट किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए राजकुमार शुक्ल। और मैं बता दूं यहां पर एक वकील साहब भी थे जिनका नाम था ब्रज किशोर, इन्होंने एडवाइस दिया था कि बिल्कुल हम किसानों का सपोर्ट कर सकते हैं। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वकील कौन थे, तो वकील नाम याद रखिएगा, यह वकील होंगे ब्रज किशोर। ब्रज किशोर के साथ और भी पर्सनैलिटीज पूछी जा सकती है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, नरहरि पारख हो गए, ये सब भी इस आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। कौन सा आंदोलन चल रहा है? चंपारण सत्याग्रह चल रहा है। जब गांधी जी पहुंचे जब चंपारण पहुंचे तो इनका बहुत अपोज हुआ और फाइनली गांधी जी समझाने में, आयोग को समझाने में राजी हो गए कि यह जो आपकी तीन कठिया पद्धति चल रही है यह एक शोषणकारी नीति है। और फाइनली जो भी अतिरिक्त कर वसूल किया गया था किसानों से उसका 25% जो अमाउंट है वह वापस कर दिया गया था, है ना। तो यहां पर इस 25% अमाउंट को वापस कर दिया गया था, इसीलिए कहा जाता है कि यह और कोई नहीं, यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। तो यह जो मैच है यह बिल्कुल गलत मैच है, ध्यान रखना इस बात को। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चंपारण था, सविनय मतलब कानून को तोड़ना। तो चंपारण सत्याग्रह से ये सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीन कठिया पद्धति का संबंध किस सत्याग्रह से है। अच्छा चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला डिस्कस करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये वाला तो गलत है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल को डिस्कस करते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल का जो लेटर है, जो इनविटेशन है, ये चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी कर रहे थे ना उसी समय इनको दोनों का इनविटेशन आ गया था। कौन दोनों का? एक तो अहमदाबाद का और दूसरा खेड़ा का, दोनों का इनविटेशन प्राप्त हो गया था। लेकिन गांधी जी पहले पहुंचे थे अहमदाबाद। तो जब अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात आती है तो सबसे पहले तो एक नाम याद रखना, एक नाम है अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। और दूसरा नाम आपको यहां पर याद रखना है अनुसुईया बेन का, अनुसुईया बेन। देखिए ये नाम भी जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो नाम जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंबालाल साराभाई और इन्हीं की बहन का नाम है अनुसुईया बेन। देखो हुआ ये था, अहमदाबाद का क्षेत्र जो है वो प्लेग के प्रकोप से पीड़ित था और मिल मालिकों ने प्लेग के बाद 70% बोनस देने का वायदा किया था, जिसको आप प्लेग बोनस के नाम से जानते हो। लेकिन जब प्लेग का प्रकोप खत्म हुआ तब मिल मालिकों ने 70 को रिड्यूस करके 20% बोनस देना की बात कह दी थी, जबकि श्रमिकों की मांग थी कि 20 नहीं, आप हमको कम से कम 50% तो बोनस, प्लेग बोनस हमको देना ही पड़ेगा। ये समस्या थी अहमदाबाद मिल मालिकों के साथ और मजदूरों की। अब देखिए इस समस्या में अब जो बीच में है, बीच में मध्यस्थता का रोल निभाएंगी वो होंगी अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन जो है वो पत्र लिखती है महात्मा गांधी को और निमंत्रण देती है उनको अहमदाबाद आने का और इसमें इंटरफेयर करने का या एक तरह का समझौता करने का। तो किसने पत्र लिखा था? याद रखना अनुसुईया बेन। अंबालाल साराभाई कौन है? तो याद रखना जब गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कर रहे तब अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र लगते थे और इन्होंने एक अच्छी खासी राशि दी थी, यानी कि सहयोग किया था साबरमती आश्रम की स्थापना। तो ऐसे में अब देखो बहन होते हुए भी ये पत्र लिख रही है गांधी जी को कि अपोज कर रही है, किसका अपोज कर रही है? अंबालाल साराभाई का, जो खुद एक मिल मालिक है। कहां का? तो अहमदाबाद का मिल मालिक। तो अब गांधी जी जब पिक्चर में आए तो अंबालाल साराभाई को लगना ही था कि यहां तो समझौता होगा और ये हमारे पक्ष में बात करेंगे, लेकिन गांधी जी ने सत्य का साथ दिया था और इन्होंने विपक्ष में बात की थी अंबालाल साराभाई। तो गांधी जी जब आएंगे तो श्रमिकों को समझाया कि देखो 50% नहीं 35% प्लेग बोनस में आपको मान जाना चाहिए, हो सकता है परसेंट भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले। तो श्रमिकों को 35% प्लेग बोनस में मानना जाना करके समझाया। जब श्रमिक तो मान गए लेकिन जब मिल मालिक राजी नहीं हुए तब यहां पर गांधी जी ने रहा कि अब आपको यहां पर हड़ताल करने की जरूरत है, लेकिन याद रखना डटे रहना, पीछे मत हटना। एक बार जब आप हड़ताल में पड़े तो आप इस हड़ताल को कंटिन्यू करोगे और आपको इसी के साथ अपना सर्वाइवल भी करना होगा। तो इस तरीके से हड़ताल की शुरुआत होती है। 21 दिन बीत जाते हैं, लगता नहीं है मजदूरों को कि इतना लंबा जाना होगा। 21 दिन बीत जाता है, दबाव आ जाता है, तब गांधी जी खुद कमबैक करते हैं। ध्यान रखना ना, गांधी जी खुद मैदान में उतरते हैं और 15 मार्च 1918 को गांधी जी स्वयं भूख हड़ताल करते हैं। यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहलाती है, इसीलिए पहली भूख हड़ताल का जो संबंध है वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से है और यह कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का संबंध पहली भूख हड़ताल से है और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से थी। चलिए इतना डिस्कस करने के बाद अब जरा बातें करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। ये वाला जो कथन है ये तो करेक्ट है और देख चुके हैं कि ये वाला जो है ये रॉन्ग है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में सबसे पहले तो ये समझो ये भी 1918 की घटना थी। देखो अकाल संहिता में साफ लिखा हुआ था
कि अगर आपका जो फसल है वो एक चौथाई से कम अगर फसल होती है, लेस देन 1/4, तो आपको कोई भी लगान देने की, कर देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अकाल संहिता में साफ साफ नियम लिखा हुआ था। इस समय खेड़ा में प्लेग फैलने की वजह से, अकाल होने की वजह से फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी, कुछ खास फसल उत्पन्न नहीं हो सकी। और ऐसे के भी यहाँ पर अंग्रेज जो है वो लगान की डिमांड कर रहे थे और इन्होंने भू राजस्व में भी वृद्धि कर दी थी। तो ये प्रॉब्लम थी खेड़ा। तब यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे गांधी जी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से विठल भाई पटेल आएंगे और वो सर्वे करेंगे कि वाकई में जो लगान है, मतलब वाकई में जो फसल है, वो एक चौथाई से कम हुई है कि नहीं हुई है। भाई बोलने पर थोड़े जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो जब पता चला कि वाकई में जो फसल है वो एक चौथाई से कम हुई है, तब गांधी जी ने कहा कि अब लगान जो है, क्योंकि अकाल संहिता का ये नियम है, तो लगान जो है उन्हीं को देना चाहिए जो केवल योग्य है, मतलब जो लगान देने में सक्षम है उन्हीं को लगान देना चाहिए। एक बात और याद रखना, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार पटेल भी थे और एक गुप्त समझौता अंग्रेजों और गांधी जी के मध्य होगा जिसमें साफ कह दिया जाएगा कि भू राजस्व केवल उन्हीं से लिया जाएगा जो भू राजस्व देने में सक्षम होंगे, जो योग्य होंगे। तो यह जो सत्याग्रह था, ये गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह था। याद रखना, पटेल का नाम इनमें पूछा जा सकता है और इंदूलाल याग्निक भी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध भी कौन से सत्याग्रह से है, तो खेड़ा सत्याग्रह से है। तो यह जो है पहला असहयोग आंदोलन या पहला गैर सहयोग आंदोलन कहा जाता है, कौन सा, तो खेड़ा। तो यानी कि ये वाला जो है स्टेटमेंट है ये भी गलत है, और आपको बताने हैं गलत स्टेटमेंट कौन सा मेल नहीं खाता है, तो आपका आंसर लगेगा सी। तो अब लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसने रोलट एक्ट 1919 के पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और अबुल कलाम आजाद। ठीक है, किसने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दिया था और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। चलिए रोलेट एक्ट की बात करते हैं। तो रोलेट एक्ट मतलब आपका 1917, देखिए जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत रक्षा अधिनियम था, वह खत्म होने वाला था और इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंतकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए भारत रक्षा अधिनियम चलाया गया था, जो कि अब एंड होने वाला था। तो 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, नाम रहा याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति को कहा गया कि किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करना है आपको यह बताना होगा। उन्होंने एक नया अधिनियम लाया और उनका अधिनियम था अराजकता और अपराध अधिनियम। देखिए ये रोलेट एक्ट का दूसरा नाम है, नाम है अराजकता और अपराध अधिनियम 1919, अपराध अधिनियम 1919, जिसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। और क्योंकि क्रांतिकारी घटनाओं से रिलेटेड है इसीलिए क्रांतिकारी अपराध, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी को आप रोलेट एक्ट के नाम से जानते हो। इसमें क्या क्या चीजें थी वो भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तीन चीजें आपको याद रखना है। पहले तो किसी को भी हम संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे तो संदेह के आधार पर गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए किसी न्यायिक आज्ञा की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसा इसमें पहला प्रावधान था। दूसरा इसमें प्रावधान ये था कि कोई, चलो ठीक है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब क्या मैं अपील कर सकता हूँ, तो नहीं आप अपील भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है तो क्या मैं कोई वकील कर सकता हूँ, वकील भी, मतलब सीधी बात है कि आप न कोई अपील कर सकते हो न कोई दलील कर सकते हो। और साथ में आपका मुकदमा किसी कोर्ट में भी नहीं जाएगा, एक गुप्त कार्यवाही होगी, गुप्त तरीके से कार्यवाही होगी, मतलब किसी अदालत में किसी जज के सामने कोई मुकदमा आपका नहीं चलेगा। और यह प्रावधान इस नियम के थे और साथ ही साथ इसमें 2 वर्ष की सजा का भी प्रावधान था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 वर्ष की सजा का भी प्रावधान था। तो इस तरीके से रोलेट एक्ट पिक्चर में आया था और इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। यह गांधी जी ने कहा था कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था, तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट के बारे में है। और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इस कानून को काला कानून कहा था। किसको काला कानून कहा जाता है, तो यह भी रोलेट एक्ट के बारे में है, जो किसकी अध्यक्षता में बना था, तो सिडनी रोलेट अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको रोलेट एक्ट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है भारतीय तो इसका विरोध जरूर करेंगे। तो 1918 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वह दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। वहां पर रोलेट एक्ट का विरोध प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, तो अब ये जो प्रश्न है ये विरोध को लेकर है,
तो केंद्रीय विधान परिषद से, केंद्रीय विधायिका से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। यहां देख लो, अगर हम बात करते हैं इस्तीफे की तो 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। पहला जो नाम आएगा वो आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा नाम आएगा मदन मोहन मालवीय, देखिए आपको याद रखने में आसानी होगी, तीनों एम से शुरू होते हैं, और तीसरा नाम आएगा मजहर उल हक का नाम आता है, तीनों एम वाले नाम है। पहला मैंने बोला, पहला देख लो, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जो एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे, और बाकी जो मजहर उल हक और मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं, ये दोनों जो है ये मनोनीत सदस्य थे। तो इन तीनों ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था। ये है मजहर उल हक, ये है मदन मोहन मालवीय, और ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, तो किसने किसने इस्तीफा दिया था, तो यस मोहम्मद अली जिन्ना इज करेक्ट, मदन मोहन मालवीय इज करेक्ट, बाकी 1 और 2 जो है, 1 और 4 जो है वो रॉन्ग है। अब मुझे सही बताना है कि गलत, तो मुझे बिल्कुल सही वाले बताने हैं। तो ये रहा आपका उत्तर। अब अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिख रहा है। जलियांवाला बाग नरसंहार के संबंध में कौन कौन से परिणाम थे, ठीक है, जलियांवाला बाग के संबंध में परिणाम हमको बताने हैं। तो पहले तो डिस्कस कर ले कि सही पूछा गया है कौन कौन से सही परिणाम थे। तो जब भी बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो पहले तो डेट आपके दिमाग में आना चाहिए। यह पूछा जा सकता है कि यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पहले तो डेट आपके दिमाग में आ गई, उसके बाद 2 डायरों के दिमाग में आने चाहिए। तो 2 डायर में एक तो डायर आएगा जिसका नाम होगा माइकल ओ डायर। देखिए नाम जो है वो आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है, 2 डायर बोला मैंने। और दूसरा जो डायर है इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम था ब्रिगेडियर आर डायर। तो माइकल ओ डायर और ब्रिगेडियर आर डायर। और तीसरा लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, तो यह लोकेशन थी पंजाब की लोकेशन। चलो अब डिस्कस करते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। वैसे तो आपको सारी बातें इनमें पता ही होंगी, लेकिन मैं कुछ हाईलाइट्स बिंदु आपको बता दूं। 13 अप्रैल 1919 के पहले 2 नेताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, और वह नेता भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डॉक्टर सत्यपाल है, और उनके साथ है दूसरे नेता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये 2 नेताओं के नाम आपको याद रखने होंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट में। और उसके बाद इसी से संबंधित है आपका 18 अप्रैल 1919, ये है जलियांवाला बाग से संबंधित प्रश्न। देखिए पंजाब जो है, बात करते हैं पंजाब से, तो पंजाब जो है वो समझ लीजिए एक टारगेट था अंग्रेजों का, और बेहद ही संवेदनशील एरिया था। पंजाब को ही अंग्रेज कंट्रोल में रखना चाहते थे, और इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा हूं, वो थे माइकल ओ डायर। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर था, रामनवमी का दिन था, उस दिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। वह 2 नेता कौन से हैं, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू हैं। याद रखिएगा गांधी जी के काफी क्लोज थे, गांधी जी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया था और इनको कहीं और निर्वासित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन काफी उग्र हो गया था, मतलब अब भीड़ जो है गोलियां चलना, ऐसा उग्रता इसमें आ चुकी थी। तो क्योंकि उग्र हो गया था, गोलियां चल चुकी थी, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए 11 अप्रैल 1919 को ये जो पूरा पंजाब का जो शासन है ना, वो एक ब्रिगेडियर के हाथों में दे दिया गया था। मतलब अब यहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब है कि अब जो प्रशासन है वह पूरा सेना के हाथ में चला जाएगा, और सेना के हाथ में जाएगा मतलब एक ब्रिगेडियर के हाथ में जाएगा। तो ब्रिगेडियर कौन है, तो वह थे ब्रिगेडियर आर डायर। तो देखो अब दोनों की भूमिका हमको क्लियर हो गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तो माइकल ओ डायर, और ब्रिगेडियर कौन है, सेना की तरफ से कौन है, तो वो है ब्रिगेडियर आर डायर के हाथों में जा चुका था। और इसने अनाउंस कर दिया कि भैया देखो अब आपको कोई जनसभा नहीं करनी होगी, अब जनसभा नहीं करने का इंटीमेशन इसने दे दिया था। और लेकिन फिर भी 13 अप्रैल 1919 यह वो दिन है जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी का दिन था, और हंस राज के नेतृत्व में, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना ये सब पूछने वाले पॉइंट्स हैं। हंस राज के नेतृत्व में लगभग 20,000 लोग जो है यहां पर एकत्रित हो गए थे। भाई बैसाखी का दिन था तो लोग घूमने भी आए थे, सब अमृतसर का वेन्यू था आपका अमृतसर, तो लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी, तो 20,000 लोग जो है लगभग वो जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे। और मैं इसने पहले ही इंटीमेशन देके रखा था ब्रिगेडियर आर डायर ने कि भाई आपको जनसभा नहीं करनी है, तो यह जनसभा जो है किसके नेतृत्व में हो रही थी, तो याद रखना हंसराज के नेतृत्व में। जाता है, एक ही एग्जिट पॉइंट रहता है, उसको बंद कर देता है, तोप तैनात कर देता है, 25 सैनिक इधर और 25 सैनिक इधर, और दनादन जो है गोलियां बरसाना शुरू कर देता है बिना किसी चेतावनी के। तो यह काम करने वाला कौन होता है, तो याद रखना ब्रिगेडियर आर डायर जो है, वह गोली चलाने का आदेश कौन देता है, वह है ब्रिगेडियर आर डायर। तो इस तरीके से आपने देखा यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइट फुट की उपाधि त्याग दी थी। ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे विरोध किए थे। यह इनको 1916 में शांति निकेतन मिली थी, तो विरोध में नाइट हिट की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत बाद में एक्टिव हुए थे, जब स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था तब ये स्वदेशी को वस्तुओं के बहिष्कार के भी विरोधी थे। इनका कहना था कि इस तरीके से आप बहिष्कार मत कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है बाद में काफी एक्टिव हुए और नाइट हुड की उपाधि त्यागी, जो इनको 1916 में शांति निकेतन मिली थी। एक नाम और याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था, तो इस समय शंकर नायर ने ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दिया था। दूसरा, गांधी जी ने भी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि को भी इसी समय त्याग दिया था, और इसी समय गांधी जी ने भी डिसाइड किया था कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने वाले हैं, और इसीलिए उनके मन में असहयोग की भावना जागृत हुई और फिर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। उधम सिंह ने ब्रिगेडियर जनरल डायर की, चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। उधम सिंह ने ब्रिगेडियर जनरल डायर की हत्या कर दी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में शूटिंग का आदेश दिया था। अब देखो यहां पर आपको ये डायर वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर नहीं, उधम सिंह ने जिसकी हत्या की थी वो था माइकल ओ डायर। ब्रिगेडियर जनरल डायर के ऊपर जब केस चला था, तो जब ये ब्रिटिश संसद में पहुंचा, हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचा, तो ब्रिगेडियर जनरल डायर को तो मान की तलवार की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। 2600 पाउंड की धनराशि दी गई थी और कुल मिला के इनका सम्मान किया गया था। और माइकल ओ डायर ने तो बिल्कुल उचित कहा था, और ब्रिटिश अखबारों में तो इसको कर्तव्य की पराकाष्ठा की गई थी। मतलब कुल मिला के इसका सम्मान किया गया था, और इसका लॉस ये हुआ था कि भाई साहब को नौकरी गंवानी पड़ गई थी, मतलब इस्तीफा बस देना पड़ गया था, और 1927 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब उनकी 1927 में मृत्यु हुई थी, तो उधम सिंह जी इनको कैसे मार सकते हैं। उधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर को मारा था, और माइकल ओ डायर को कहां पे मारा था, कब मारा था वो बता दूं, तो यह घटना 1940 में थी। लंदन का एक हॉल था जिसको आप कैंगस्टन हॉल के नाम से जानते हो, कैंगस्टन हॉल। कैंगस्टन हॉल में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी थे, 16 साल के थे कैप्टन उधम सिंह। और उधम सिंह 16 साल के थे, तब प्रण ले लिए थे कि जिस तरीके से इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबके सामने गोलियां चलाकर मारा है, वैसे मैं भी एक भरी सभा में इस माइकल ओ डायर की मृत्यु करने वाला हूं। दर दर भटकते रहे, अपनी ट्रेनिंग करते रहे सरदार उधम सिंह की बात कर रहा हूं। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंगस्टन हॉल में गोली मारकर हत्या कर देंगे माइकल ओ डायर की। ध्यान रखना, ये माइकल ओ डायर थे, और जब हत्या करेंगे, गोली चलाएंगे, तब भागेंगे नहीं, आत्मसमर्पण करेंगे। इन्हें कहा जाता है शहीद उधम सिंह। और फाइनली हत्या की सजा जो है वो फांसी होती है। तो याद रखना, 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया सरदार उधम सिंह। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट, ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हत्या की थी माइकल ओ डायर की। तो कौन से सही है, तो ये है आपका उत्तर। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग में दिख रहा है। इसमें एक तरफ जो है संगठनों के नाम है, और दूसरी तरफ जो है उनके जो संस्थापक है उनके नाम दिए गए हैं। सही विकल्पों का आपको चयन करना है। पहला पूछा है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है इसके संगठन करेंगे, इसके संगठनकर्ता होंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहले के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, देखिए ये स्वराज पार्टी ही है। तो जो सी आर दास है और जो मोतीलाल नेहरू है, सी आर दास और इनके साथ में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और एक नई पार्टी की स्थापना की जिसको स्वराज पार्टी कहते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ही इसका असली नाम था। तो इसमें सी आर दास जो है वो इसके संस्थापक हुए, और जो मोतीलाल नेहरू है वो यहां पर सचिव के तौर पर हुए थे। तो यहां से दिख रहा है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है वो सी आर दास के नेतृत्व में बनी है। तो सेकंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें, सीपीआई, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और यह स्थापना हुई थी ताशकंद में। याद रखना, ताशकंद जो अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और स्थापना करने वाले थे एम एन रॉय के द्वारा यह स्थापना हुई थी। यानी कि दिख रहा है कि थर्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वह बी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखना, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की भी स्थापना 1920 में ही हुई थी, और इसके प्रेसिडेंट हुए थे लाला लाजपत राय। सो क्लियर है कि फोर्थ के लिए जो आंसर है वो ए है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो संस्थाएं हैं इनके फाउंडर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित दिखाई दे रहा है।
इसमें चंपारण सत्याग्रह में वैसे ही आपको पहले ही डिटेल कर चुका हूं, फिर भी इस प्रश्न को लेते हैं और हमको सही उत्तर बताना है, इसमें से सही क्या है यह हमको बताना है। तो बोला है कि इस आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही बात है, पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो चंपारण सत्याग्रह में किया था, लेकिन ये भारत में पहली बार है, पहली बार यह जो है, लेकिन गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो साउथ अफ्रीका में किया था। तीन कठिया प्रणाली, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसकी जगह पर आपको लिखना होगा तीन कठिया प्रणाली। तो तीन कठिया प्रणाली ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इट इज नथिंग बट तीन कट्ठों, 20 में से तीन कट्ठों में नील की खेती करना अनिवार्य होगा। तो यह भी इसी आंदोलन से ही जुड़ी हुई थी और राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, जेबी कृपलानी जुड़े हुए थे, और भी लोगों के नाम मैं आपको बता दूं, नरहरि पारख का संबंध भी इसी में से आता है, और मैं आपको बता दूं ब्रज किशोर जो वकील थे उनका संबंध भी इसी में से आता है, मजहर उल हक का संबंध भी चंपारण सत्याग्रह से है। तो ये दोनों का संबंध तो है ही, इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है डी, चंपारण सत्याग्रह पूरा हम पहले देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वह खिलाफत आंदोलन से लिया है, खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको सही कथन जो है वो यहाँ पर बताने हैं। तो पहला कथन है इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो पहले तो आपको बता दूं खिलाफत आंदोलन जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध, और आपके दिमाग में आएगा तुर्की का खलीफा। देखो तुर्की का खलीफा जो है विश्व की समस्त मुस्लिमों के आध्यात्मिक गुरु थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के विभाजन का निर्णय ले लिया था, और क्योंकि इन्होंने तुर्की के विभाजन का निर्णय लिया इसीलिए मुस्लिमों ने स्वयं को अपमानित महसूस किया, और अपमानित होने की वजह से खलीफा के समर्थन में ही उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे ही आप खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हो। तो इसके जो फाउंडर रहे, इसके संस्थापक जो रहे खिलाफत आंदोलन के, मार्च 1919 में एक कमिटी बनी जिसको खिलाफत कमिटी के नाम से जाना जाता है, खिलाफत कमिटी। और यह कमिटी जो है ये दो अली बंधुओं ने मिलकर बनाई थी, तो एक तो नाम याद रखना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम याद रखना शौकत अली, शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों बंधुओं ने खिलाफत कमेटी की स्थापना की थी जो कि मार्च 1919 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जून 1920 में एक सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में इसके नेतृत्व कमान जो है वो किसको सौंपी गई थी, तो याद रखना गांधी जी ने ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह जो कथन है ये गलत हो जाता है। यह जजियात यूआई अरब क्षेत्र से संबंधित था, मतलब यह ईरान, अरब, सीरिया और फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित था, ये पहले ही बता चुका हूं, यह कथन भी ये सही कथन है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। कांग्रेस द्वारा समर्थित कैसे नहीं था, गांधी जी ने ही तो इसको हिंदू और मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर पाया था। तो ऐसे अवसर में गांधी जी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, और खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। मतलब अगर हम देखें तो जहां एक तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा था वहीं दूसरे तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, और ये जो असहयोग आंदोलन है ये तो 1922 में ही खत्म हो गया था चौरा चौरी कांड के कारण, वही जो खिलाफत आंदोलन है यह तो 1924 तक चला था, और गांधी जी दोनों आंदोलनों को लीड भी कर रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से इसका समर्थन कर रही थी। तो क्योंकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था इसीलिए यह कथन भी गलत होता है। तो याद रखना अली बंधुओं का नाम आता है और इनका एक पत्र भी पूछा जा सकता है, तो कॉमरेड नाम का इनका एक पत्र था, अली बंधुओं का कॉमरेड नाम का पत्र था। 1924 में जब कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया तब यह खिलाफत आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुका था। तो इसमें जो करेक्ट है वो है आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने एक पड़ाव कहा था, और यहां बताइए कि आंदोलन के बीच में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था ये आपको बताना है। तो इसमें स्वराज पार्टी पर आने से पहले हम चौरी चौरा कांड को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चौरी चौरा कांड क्या था और इसमें कोई झड़प भी हुई। तो जहां पर बात आती है चौरा चौरी कांड की, तो आपको याद रखना है यूपी, और यूपी में भी जिला आपको याद रखना है यह जिला है गोरखपुर, ठीक है, यूपी और गोरखपुर जिला। उसके बाद आपको एक नाम याद रखना है जिसका नाम है भगवान अहीर, और भगवान अहीर के बाद आपको दो डेट याद रखनी है। पहला तो 5 फरवरी 1922 की डेट,
और दूसरा डेट याद रखनी है 12 फरवरी 1922। ये कुछ डेट्स आपको याद रखनी है, और साथ में एक डेट और याद रखिएगा, यह रहेगी 10 मार्च 1922 की डेट। चलिए, इतने से आप चौरा चौरी कांड को आसानी से समझ सकते हो। तो यूपी के गोरखपुर जिले में भगवान अहिर के नेतृत्व में कुछ लोग जो है खाद्य मामलों को लेके, शराब बेचने को मामले को लेके विरोध कर रहे थे, और इस समय असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था। तो किसके नेतृत्व में पूछेगा, तो आप बोलोगे भगवान अहिर, और यह कौन से आंदोलन के दौरान घटना है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान की घटना है। आपका दिन था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने इन पर अकारण लाठी चार्ज कर दिया था, और इसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में आम जनता ने टोटल 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। उस पुलिस चौकी पर ही आग लगा दी थी। तो यह न्यूज जो है, उस समय जब ऐसा असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, उस समय गांधी जी बारदोली में उपस्थित थे। बारदोली में जब उनको यह खबर मिलती है, सूरत का क्षेत्र है एक बारदोली, जब बारदोली में गांधी जी को यह खबर मिलती है कि ऐसी एक हिंसक घटना हुई है, तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को यह निर्णय लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। तो डेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922। इस तरीके से यह घटना जो है ये चौरा चौरी कांड कहलाता है। 10 मार्च 1922 यह वो दिन था जिस दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई उनको ऐसे डायरेक्ट थोड़े गिरफ्तार करेंगे, यंग इंडिया में लिखे हुए लेख का उन्होंने बहाना बनाया था, और उन लेख के आधार पर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था। और कौन सी जेल में भेजा गया था यह भी पूछा जा सकता है, तो उनको यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं, चौरा चौरी घटना में हिंसक झड़प हुई थी और अधिकारियों द्वारा गांधी जी की गिरफ्तारी भी कर दी गई थी। अब देखो, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी डिस्कस कर चुके हैं हम। गांधी जी जेल चले गए थे, 6 वर्षों की उनको सजा हो गई थी, मतलब 1922 से लेकर 1928 तक उनको सजा काटनी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से 1924 में गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद उस समय इधर क्या चल रहा था, उस समय कांग्रेस में 2 गुट बढ़ चुके थे। एक तो वह गुट था जो 1923 के चुनाव में समर्थन चाह रहा था, और एक वह गुट था जो अभी भी रचनात्मक कार्य ही करना चाह रहा था। तो मैं बता दूं कि जो यह चुनाव जो है, यह चुनाव 1923 के चुनाव में कुछ लोग भाग लेना चाह रहे थे, और कुछ लोग जो है वो रचनात्मक कार्य करना चाह रहे थे। तो इन्हीं में से जो लोग चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे, उन्हीं में से 2 लोग थे, एक का नाम था चित्तरंजन दास और दूसरे का नाम था मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास ने स्थापना की स्वराज पार्टी की, और उसके बाद उसी पार्टी के सचिव हुए जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। और यह घटना जो है, यह घटना कब की है, मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आपको कहना है कि यह स्थापना 1923 में हुई। अच्छा, जो लोग स्वराज पार्टी के समर्थक हुए, जो लोग समर्थक हुए ना, वो लोग प्रो चेंजर्स कहलाए, मतलब जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे वो लोग प्रो चेंजर्स कहलाए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो रचनात्मक कार्यों के समर्थन थे, मतलब जो स्वराज पार्टी के समर्थक में नहीं थे, वो लोग क्या कहलाए, तो वो लोग नो चेंजर्स कहलाए, यह बात का भी ध्यान रखना है। तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स किससे संबंधित है, तो वो स्वराज पार्टी से संबंधित है। अब कथन की बात करते हैं, आंदोलन के बीच में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो भाई साहब आंदोलन तो 1920 में चल रहा था, 1922 में तो खत्म हो चुका था, और स्वराज पार्टी की स्थापना आप कब कर रहे हो, 1923 में, मतलब जाहिर सी बात है यह कथन जो है बिल्कुल गलत कथन है। और आपको बताने हैं सही कथन, तो सही कथन जो है वो है सेकेंड वाला और थर्ड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको घटनाएं और उनके डेट मैंने बता दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, और इसी से संबंधित है पूर्ण स्वराज दिवस। ये दोनों ही घटनाएं जो हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित हैं, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। यह अधिवेशन जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, याद रखना, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, तब कांग्रेस ने चेतावनी दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि एक साल के भीतर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुआ तो जो कांग्रेस है वो पूर्ण स्वराज से कम किसी बात पर भी समझौता नहीं करने वाली है, उसके बाद उसको पूर्ण स्वराज ही चाहिए होगा। और जब सरकार ने एक साल बीत गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो फाइनली उन्होंने अपना एक अधिवेशन लाहौर में किया, जो कि दिसंबर 1929 की घटना है। और लाहौर के इस अधिवेशन में लक्ष्य स्थापित किया गया था, वह लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस ने स्थापित किया था, ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया था कि जो 26 जनवरी होगा, हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसको पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही घटनाएं जो है ये लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। तो एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि यह अधिवेशन कहां हुआ था, लाहौर, और अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी।
तो संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है इसको किससे जोड़ोगे, तो इसको जोड़ेंगे 31 दिसंबर 1929 से, और पूर्ण स्वराज दिवस को किससे जोड़ेंगे, तो यह 26 जनवरी 1930 से जोड़ना है। यह दोनों ही घटनाएं एक साथ हुई थी। अगला हमको दिख रहा है दांडी मार्च। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। वह ऐसा था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जब ये निकले थे साबरमती आश्रम से, अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे, और 24 दिनों की यह यात्रा थी। लगभग 390 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल किया था, और इतना ट्रेवल करने के बाद ये 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे दांडी। देखिए, निकले थे साबरमती आश्रम से लेकिन पहुंचे थे दांडी। कब पहुंचे थे, तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, और यही आपकी दांडी यात्रा कहलाती है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर, यहीं पर नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखना, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930, और अगली डेट जो मैंने बताई है वह है 6 अप्रैल 1930। इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था। तो कहां से चले थे गांधी जी, साबरमती, और पहुंचे कहां थे, तो वह भी याद रखना, पहुंचे थे दांडी। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। इसमें याद रखना, इस समय के वायसराय भी पूछे जा सकते हैं। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगटन इस समय वायसराय थे। साथ में जो आयोजन स्थल था वह था सेंट पॉल पैलेस जो है आयोजन स्थल था। और साथ में यह भी याद रखना कि गांधी जी एकमात्र ऐसे कांग्रेस प्रतिनिधि थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और यह भी पूछा जाता है कि किस जहाज से वो यहां पहुंचे थे, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो याद रखना, राजपुताना जहाज का नाम है, राजपुताना जहाज से वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। और यह भी पूछा जाता है कि उनके साथ कौन कौन थे, तो याद रखना, सबसे पहले तो नाम आएगा मदन मोहन मालवीय का, दूसरा नाम आएगा महादेव देसाई का, और तीसरा नाम आएगा मीराबेन का। तो मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, मीराबेन, याद रखना, इससे देवदास गांधी भी साथ थे और घनश्याम दास बिड़ला भी इनके साथ थे। तो कौन कौन इनके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब हम लिखेंगे सितंबर 1931 में यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो इस तरीके से सही आंसर दिख रहा है बी। तो चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपको डेट्स और उनके इवेंट्स जो है वो बता दिए गए हैं। तो सूरत विभाजन को मैच करना है, ठीक है। सूरत विभाजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यह जो है 1907 का इवेंट है, सूरत विभाजन कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जहां पर आएगा वहां याद रखना, पहले तो 16 अगस्त 1932, फिर आप याद रखिएगा 20 सितंबर 1932 को याद रखना, और उसके बाद याद रखिएगा 25-26 सितंबर 1932। हुआ ये कि भारतीय अल्पसंख्यकों के साथ समझौता नहीं हो रहा था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को। इस घोषणा के तहत जो पृथक निर्वाचन पद्धति मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए है, वह अब हरिजन पर भी लागू होने वाली थी। इसी को आप सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हो। तो यह घोषणा करने वाले थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मैकडोनल्ड, और 16 अगस्त 1932 को घोषणा हुई थी। गांधी जी को यह बात सुनते ही 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए थे, उपवास पर बैठ गए थे, और इस समय गांधी जी जेल में बंद थे, और जेल थी यरबदा जेल में गांधी जी बंद थे। तब जाकर फाइनली 25-26 सितंबर 1932 को, नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इस समझौते को आप पूना समझौता के नाम से जानते हो, पूना समझौता के नाम से जानते हो। 25-26 सितंबर को पूना समझौता हुआ था, और यह किन लोगों की मदद से हुआ था यह बात आपको याद रखनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर मदद की थी राजेंद्र प्रसाद ने मदद की थी, दूसरा याद रखना सी राजगोपालाचारी ने मदद की थी, तीसरा याद रखना मदन मोहन मालवीय ने मदद की थी। तो इन लोगों के प्रयत्न से ही गांधी और अंबेडकर बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको आप पूना समझौता के नाम से जानते हो। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब 1932 जो है वो आंसर हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन अगला दिख रहा है, सर्वदलीय सम्मेलन, इसका जो संबंध है सीधा 1928 से है, नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 1929 लाहौर अधिवेशन से संबंधित है।
तो इस तरीके से दिख रहा है कि यह होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने आज गांधीवादी काल 1915 और 1930 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण सहित अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फैक्ट्स को याद रखने में आसानी होगी, और यह जो वीडियो है ये आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। इसी के साथ थैंक यू एंड जय हिंद।